अस्सलामु अलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। जितना भी आप वीडियो के नीचे कमेंट्स लिखते हैं वो सारे कमेंट्स मैं आपके पढ़ता होता हूं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसमें कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं, तो उन सब चीज़ों को सामने रख के मैं अगली स्टोरी में कोशिश करता हूँ आपकी पसंद के हिसाब से मैं स्टोरी को बना सकूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। क्योंकि आपके इस तरह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने से ये होगा कि YouTube देखता है कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है, तो वो आगे इसको फैलाना शुरू कर देता है। तो यूँ हमारी MMTV की जो फैमिली है इसमें इजाफा होगा और लोग भी इस कहानी को सुन के एक सुकून राहत महसूस करेंगे। तो आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे इंडिया से भेजी है और इनका नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। ये उनका रियल नेम है और इंडिया अहमदाबाद जोहापुरा से इन्होंने कहानी भेजी है। लफ्ज़ जोहापुर है या जोहापुरा है, उन्होंने लिखा पूरा है तो मैं इसलिए पूरा बोल रहा हूँ, अगर जोहापुर है तो आई एम रियली सॉरी। अहमदाबाद जोहापुरा की ये कहानी है इंडिया से। वो कहते हैं कि मेरे नाना उस इलाके उस दौर में भी और आज में भी बहुत मशहूर थे, नामी गिरामी लोगों में शामिल थे, बहुत ज़्यादा उनकी लोग रेस्पेक्ट करते थे और उन्होंने एक घर बनवाया था 1990 में। मेरे नाना अबू ने जिस घर को 1990 में तामीर कराया था उसके 20 कमरे और 4 मंजिलें थीं। नाना अबू का वो तारुफ कराते हैं कि मेरा नाना अबू ने माशाल्लाह से 50 शादियां की थी। उसकी डिटेल उन्होंने मुझे नहीं लिखी तो इतना ही लिखा है, मैं उतना ही बता रहा हूं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी जो माँ है और मेरी उनकी जो माँ है जो मेरी नानी लगती हैं वो उनकी पहली पहली उनके नाना की पहली पहली बीवी में से हैं। ये जो ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं ये सबसे नाना की जो पहली शादी हुई थी उन्हीं की औलाद में से हैं और इनके नाना का नाम है महीउद्दीन साहब। इन्होंने जो 1990 में घर बनवाया था उसका उन्होंने नाम रखा था रहन बसेरा। आज भी ये घर इंडिया अहमदाबाद जोहापुरा में ये मौजूद है। ग्रीन पार्क सोसाइटी है वहाँ पे, जो लोग वहाँ रहते हैं इस जगह के बारे में वाकिफ होंगे। ये सारी लोकेशन जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल रियल हैं, अभी भी इंडिया में मौजूद हैं। ग्रीन पार्क सोसाइटी जहाँ इस घर को 1990 में तामीर किया गया, बहुत बड़ा घर होगा जिसके 20 कमरे और 4 मंजिलें थीं, यकीनन वो एक बहुत बड़ा घर होगा, शादियाँ भी उनकी उस हिसाब से थीं। तो कहते हैं जो मेरे नाना अबू थे महीउद्दीन साहब वो कसाई का काम करते थे। उनका कारोबार जो ये था कोई छोटे मोटे लेवल का नहीं था, उस दौर में भी इस लेवल का इनका कारोबार था कि भैंसें वो लेके आते, भैंसों को वो ज़िबा करते, उन्होंने कारीगर भी रखे हुए थे और एक नहीं दो नहीं कभी चार चार कभी पांच पांच भी भैंसें ज़िबा करते थे। दूर दूर तक वो गोश्त की सप्लाई देते थे, पैसे की रेल पेल थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। महीउद्दीन साहब का उस वक्त नाम भी गूंजता था, असरो रसूख भी था, पैसा भी था, मिलना मिलाना भी था। और जो सोसाइटी का मैंने अभी आपको जिक्र किया, नाम बताया है ग्रीन पार्क सोसाइटी, मेरे ख्याल में हाँ ग्रीन पार्क सोसाइटी, वहीं पे ये बहुत बड़ा घर बनाया गया। इस सोसाइटी के अंदर चौकीदार भी मौजूद था जो बकायदा पूरी सोसाइटी का रात को पहरा देता था। लेकिन वहीं पर सोसाइटी के बीच में एक ऐसा प्लाट भी मौजूद था जिन्होंने सब ने मिल के उसका नाम रख दिया था कॉमन प्लाट। ये जो कॉमन प्लाट था इसकी यूं समझिए एक किस्म की चार दीवारी तो मौजूद थी लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची नहीं थी, चार दीवारी तो हुई हुई थी लेकिन उसके अंदर साफ सफाई नहीं थी। कब से वो ऐसा वीरान था, झाड़ियाँ भी उग गई थीं, लोग कभी कभी कचरा भी उसके अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन काफ़ी बड़ा कॉर्नर पे बना हुआ कॉमन प्लाट के नाम से सोसाइटी में मौजूद ये एक प्लाट भी था।
नाना अबू को जिस तरह का कारोबार था तो काफ़ी ज़्यादा वो गायें भैंसें लेके आते, वो जानवर लेके आते, उनको अपने पास रखते और जैसे जैसे आर्डर आता जाता तो उनको ज़िबा करके उनका गोश्त बना के उस गोश्त की सप्लाई दी जाती। मेरे जो वालिद साहब थे ग़ुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं, वो भी मेरे नाना के साथ शामिल होते थे कारोबार में, वो भी उनका हाथ बटाते और उनके नीचे कारीगर भी होते, उनको भी वो नाना देखभाल करते, सरप्रस्ती करते, कारीगर मेरे वालिद सारे काम कर रहे होते। वो कहते हैं कि हमारी फैमिली, मेरी नानों, मेरी वालदा, मेरी कोई फुफियाँ, कुछ खालाएँ, इस तरह के काफ़ी लोग जो थे, हम लोग इकट्ठे ही एक घर के अंदर रहते थे। इतना बड़ा घर नाना ने शायद बनवाया ही इसलिए था कि वो सबको एक ही घर में रख सकें। याद रखिएगा, वो शख्स हमेशा एक बेहतरीन मुनसिफ हो सकता है जो किसी को इस बात पर फोकस कर ले कि मैंने एक ही घर में शादियाँ करनी हैं। हो सकता है एक वक्त में एक चार की हूँ, उसके बाद छोड़ के और की हूँ, क्योंकि मेरे पास इसकी डिटेल नहीं है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो वो लेकिन जितनी भी उनकी फैमिली के लोग थे वो सब के सब उसी घर में रहते थे, रहन बसेरा जिसका नाम रखा गया था। आज भी उसी घर का नाम जो 20 कमरों पे मुश्तमिल है रहन बसेरा है। रहन बसेरा में रहने वाले लोग आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत से रहते थे, प्यार का रिश्ता था, खलूस का रिश्ता था, मोहब्बत का रिश्ता था। बनावटी दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी अभी इस हद तक नहीं आई थी कि इंसान को इंसान से दूर कर दे। यूं जिसको मैं कहता होता हूँ मोहब्बतों का दौर, तो कहते हैं मज़र भाई वही मोहब्बतों का दौर अभी बाकी था, इसलिए सारे मिल के वहीं पे रहते थे। हम छोटे छोटे थे, ग़ुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं, हम वहीं खेलते फिरते उस सोसाइटी में, और वो जो स्पेशली कॉमन प्लाट था वहाँ पर भी हम खेलने के लिए जाते, लेकिन वो ज़्यादातर कचरा होता था, साफ़ सुथरा इतना नहीं होता था। अब कारोबार जब बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया तो नाना अबू ने अपने जितने भी जानवर खरीदे थे, जिसमें बकरियां भी थीं, गाय भी थी, भैंस भी थी, भेड़ भी थी, वो सारी उन्होंने उस कॉमन प्लाट के अंदर बांधनी शुरू कर दी कि जब जब ज़रूरत होगी वहाँ से लिया जानवर को, उसको ज़िबा किया और आगे उसके गोश्त की सप्लाई दे दी। वहीं जानवर रात को बंधे होते, सुबह उनके लिए कारीगर में से बहुत सारे लोग ऐसे भी रखे गए थे जो उनकी देखभाल करते, पानी, खाना पिलाना, चारा, ये वो लेके जाते, घुमा फिरा के लाते। ज़िंदगी ऐसी बिल्कुल नॉर्मल और ज़बरदस्त गुजर रही थी कि लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि सब घर पे सोए हुए थे। जो कॉमन प्लाट था नाना अबू का, रहन बसेरा घर जो 20 कमरों पर मुश्तमिल बड़ा सा घर था, उससे थोड़े ही फासले पर था, जबकि नाना अबू का जो घर था उसकी बैक साइड में भी काफ़ी जगह थी, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल सामने ही प्लाट था, कॉमन प्लाट, तो उन्होंने उसके अंदर ही बांधने शुरू कर दिए थे। सोसाइटी में डर इसलिए नहीं था कि ये जो सोसाइटियां होती हैं ये गेटेड होती हैं, चारों तरफ से बंद होती हैं, वहाँ पे चोरी चकारी का ये डर नहीं होता, और 1990 में वैसे भी चोरी चकारी और इस तरह की बातों का बहुत कम डर होता था। तो वो महफूज एक सोसाइटी थी, तो वहाँ पर उनके जानवर भी उस कॉमन प्लाट के अंदर बंधे होते, बिल्कुल महफूज होते। ये सब सो रहे थे, एक रात जब उनकी आंख खुली, एक शोर समझ गया उस कॉमन, उस सोसाइटी के अंदर। अभी इतने ज़्यादा मकान नहीं बने थे, अभी बनने थे, नई नई सोसाइटी थी। तो जब घर वालों की आंख खुली तो उस शोर से आंख खुली जो जानवर के चीखने की, चिल्लाने की वजह से था। जानवर जब रात को सो रहे होते हैं तो कभी कभी उनके गले में बंधी हुई जो घंटी होती है वो बजती है, तो एहसास होता है जैसे जानवर ने गर्दन को हिलाया है, करवट बदली है, उठ के खड़ा हुआ है या बैठा है। इसलिए ही हमेशा जानवर की गले के अंदर बड़ी सी घंटी बांधी जाती है। अब वो सोए हुए जानवर एकदम से जब चिल्लाना शुरू हो गए तो घर वालों की आंख उठ गई, आंख ना सिर्फ खुल गई, परेशान हो गए। जानवर कभी भी रात को बोलते नहीं हैं, अगर भेड़, बकरी, भैंस सब बोलना शुरू कर दें तो इसका मतलब है मामला कुछ गड़बड़ है। घर वाले कुछ देर अपने बिस्तर पर लेटे उस शोर को सुनते रहे कि फैसला कर सके कि उठ के जाएं, देखें क्या माजरा है। कि देखा थोड़ी देर के बाद जानवर खामोश हो गए, समझ गए जानवर है किसी बात पे बेचैन हो गए होंगे, लेकिन अब वो खामोश हो गए हैं, तो इसलिए वो भी सुकून से सो गए। लेकिन अब अक्सर ऐसा होने लगा कि जानवरों की रात को बोलने की आवाज आती,
वो जाग जाते, उनको इग्नोर करते। लेकिन एक रात ऐसी भी आई कि जानवर इतना ज़ोर शोर से बोलना शुरू हो गए, इतना ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखने चिल्लाने लगे कि आज लगा कि पहली दफ़ा जानवर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। इससे पहले भी बोलने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी, लेकिन आज तो डरे हुए हैं, क्या माजरा, आज देखना पड़ेगा। नाना अबू भी उठ गए, मेरे वालिद साहब भी उठ गए, नानी भी उठ गई, घर के और लोग भी उठ गए, उनमें कारीगर भी जो थे वहीं पर सुलाया जाता था, उनके क्वार्टर बने हुए थे, वो भी उठ गए। और यूँ ये सारे उठ के घर से बाहर निकले और चलते हुए उस कॉमन प्लाट की तरफ जाने लगे जहाँ पे वो जानवर बंधे हुए थे। ये लोग चलते 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 जब उस प्लाट के अंदर जैसे ही दाखिल हुए तो अभी तक तमाम जानवर चीखते चिल्लाते खड़े हुए थे। बकरियां जो रात को बैठी होती हैं, सो रही होती हैं, कभी भी मैंने वक्त गुजारा है रात को देखा है, क्योंकि मैं राज प्रोग्राम की काफ़ी रिकॉर्डिंग करते हुए ऐसे जानवरों के करीब जाता था जहां मुझे बताया जाता था कि एक भैंस थी जिसका सांप की शक्ल में एक जिन आता था दूध पीने के लिए, तो वहां पे वो जानवर बंधे होते थे। जब हम कैमरा लेके इर्द गिर्द फिरते थे तो वो लेटे हुए जानवर बेचैन होते थे, तो उनके गले में बंधी हुई वो घंटी बजती थी। लेकिन इस वक्त सारे जानवर उठ के खड़े हुए थे, तो इसका मतलब था कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे जानवर बहुत ज़्यादा डर गए हैं। रात के एक बजे अगर जानवर सब के सब उठ के ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं तो माजरा वो बेजुबान हैं, चीख चिल्ला सकते हैं, बता नहीं सकते इंसान की तरह कि उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़े तो एक मंज़र ऐसा था जिसको देख के नाना अब्बू समेत तमाम लोग दंग रह गए। एक भैंस जो अपने किले के साथ बंधी हुई थी, उठ के खड़ी हुई थी, किसी ने उसकी पूरी जुबान अंदर से निकाल के बाहर ज़मीन पे फेंक दी थी। उस जानवर के मुंह से खून निकल रहा था, पूरी जुबान अंदर से, जिंदा जानवर की जुबान किसने खींच के नीचे ज़मीन पे डाल दी थी। उनने ज़ुबान को देखा, भाग के उस भैंस के पास गए तो पता लगा उसके मुँह में ज़ुबान नहीं है, किसी ने उसकी पूरी ज़ुबान खींच के बाहर निकाल ली। भैंस गाय जब भी जिक्र आता है और ज़ुबान का ज़िक्र आता है तो यकीन मानिए मुझे खुद कपकपी तारी हो जाती है। शादन लुंड में मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक औरत कमरे में बंद थी, जवानी में बहुत खूबसूरत थी, और उसके बारे में मशहूर था कि वो गाय या भैंस को ऐसे हाथों से पकड़ती थी, एक हाथ उसके ऊपर वाले मुंह के हिस्से पे, एक मुंह के नीचे वाले हिस्से पे, उसका ऐसे मुंह खोल के वो अपने दांतों से जानवर की पूरी ज़ुबान खींच लेती थी और खा जाती थी। जानवर कितना ताकतवर होता है, एक बैल कितना ताकतवर होता है, कुर्बानी में उसको 7-8 लोग पकड़ते हैं ज़िबा करने के लिए, तब भी मुश्किलों से वो काबू में आता है कि उसके पाँव बांधने पड़ते हैं, दोनों आगे वाले पाँव भी पीछे वाले भी, उसको गिराना पड़ता है, फिर भी वो ताकतवर होता है। वो अकेली औरत जो उसके मुंह को इस तरह हाथों से खोल के उसकी ज़ुबान को जब वो खींच रही होती होगी, क्या उसको तकलीफ़ नहीं होती होगी, तो क्या जानवर फड़फड़ाता नहीं होगा। लेकिन सोचिए सामने उस औरत में कितनी ताकत होती होगी कि वो जानवर फड़फड़ा भी नहीं सकता था, अपने मुँह को छुड़वा भी नहीं सकता था, पीछे भी नहीं हट सकता था, यहाँ तक कि उसकी ज़बान खींचती और खा जाती। यकीनन उस वक्त वो सामने औरत नहीं थी, उस औरत के वजूद के अंदर वो जिन होता था जो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए उस जानवर को हिलने भी नहीं देता था और उसकी पूरी ज़ुबान खा जाता था। उस औरत अपनी बच्ची, एक बच्ची पैदा हुई थी, उसको भी मार दिया था। मुर्गी को ऐसे हाथ से पकड़ती थी, खा जाती थी, मुर्गी का बच्चा खा जाती थी। कुत्ता, बिल्ली, जितने भी जानवर थे, भेड़, उन सब की ज़बानें वो खा गई थी। बहुत सारे लोगों को रोहित टीवी के दौर का वो मेरा प्रोग्राम याद होगा, आज तक वो मुझे प्रोग्राम मिला नहीं, किसी ने यूट्यूब पे अपलोड भी मेरे ख्याल में किया था, तो मैं अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट भी बार बार करता होता हूँ वो प्रोग्राम किसी को मिल जाए तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें और मैं उस प्रोग्राम को ज़रूर दोबारा लोगों को दिखाना चाहूँगा। क्योंकि उस कमरे में मैं गया था, सारे मेरी टीम डरी हुई थी, अंदर कोई नहीं जा रहा था, तनवीर गिलानी याद था, वो बाद में हिम्मत करके आगे आया था और मैं उसके पास गया था, खड़े होकर मैंने उसको सलाम किया था, ऐसे हाथ भी किया था, मैंने कहा हाथ मिलाएं, सलाम तो करें, सरायकी में बोल रही थी वो, ऐसे बैठी हुई थी, ऊपर किसी से बातें कर रही थी, छत की तरफ देखे, एक बदबूदार उसका कमरा था जिसमें वो कैद रहती थी, उसको बांध के रखते थे, रात को मैंने कमरा खुलवाया था और वो छत से किसी से बातें कर रही थी और मैं उसके पास खड़ा होकर उसको कह रहा था कि हाथ तो मिलाएं, सलाम तो करें। लेकिन मैं अलर्ट था, मुझे पता था ये मुझ पर हमला करेगी, और जैसे उसने मेरी तरफ देखा था और उसने हमला किया था तो मैं पीछे हट गया था तेज़ी के साथ उसके हमले से, वो मुझे पकड़ना चाहती थी। बहुत सारे लोगों को ये मेरा शो याद होगा, बहुत खौफनाक शो था, अगर किसी के पास लिंक हो तो मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो वही मंज़र था
वो ज़बान उसके नीचे पड़ी थी। यकीनन अब वो जानवर ऐसा था कि उसको फौरी तौर पे ज़िबा करना चाहिए था, वरना वो मर सकता था। सुबह होते ही उन्होंने उस जानवर को ज़िबा किया और परेशान हो गए कि ये कौन सा जानवर आ गया है जिसने ये हरकत की है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कुत्ते भी आवारा नहीं है, सोसाइटी है, रात को सोसाइटी का एक गार्ड भी है जो फिरता रहता है। उससे पूछा गया कि रात कोई बंदा, कोई शख्स, कोई जानवर देखा गया? उसने कहा नहीं, मैं अपनी ड्यूटी पर था और मैं मुकम्मल जाग रहा था, मैं लेटा नहीं, मैं सोया नहीं, मुकम्मल मैंने ध्यान के साथ अपनी ड्यूटी किया, रात कोई मुझे इंसान, कोई मुझे जानवर कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर इतना बड़ा वाकया हो गया था कि जानवर की किसी ने ज़ुबान निकाल के ज़मीन पर रख दी थी। खैर, सुबह उठते होते ही उन्होंने उस जानवर को ज़िबा कर दिया, गोश्त उसका जिस तरह बेचते थे बेच दिया। उसके बाद फैसला हुआ कि जानवर कुछ दिनों से मुसलसल इस तरह चीखते हैं और चीखने के बाद बेचैन से नज़र आते हैं, और आज रात इतने शदीद बेचैन थे कि हमारे पहुँचते पहुँचते ये काम हो चुका था। एक कारीगर को ड्यूटी लगाई गई कि तुम इधर ही सो जाया करो, जानवरों को पता होगा कि उनके साथ चारपाई पे एक इंसान भी सो रहा है, कोई भी बेचैनी वाली बात महसूस हो, जानवर परेशान हो, बदक जाएं, डर रहे हों, आवाज़ निकालें, तो तुम सोए होगे, जाग जाओगे, हमें बुला लोगे। उसने कहा ठीक है। एक कारीगर की वहीं पे ड्यूटी लग गई और उसने चारपाई डाली और वो वहीं पे सो गया। अब रोज़ाना रात जैसे ही होती वो कारीगर वहीं उसी जगह पे जाता, अपनी चारपाई पे आराम से सो जाता, लेकिन रात सारी कोई भी आवाज़ उसके कानों तक ना पहुंचती, यहाँ तक कि सुबह हो जाती तो उसको पता लगता जानवर भी सुकून की नींद रात को पूरी कर चुके हैं। कुछ दिन तो बहुत ही सुकून से गुजर गए, लेकिन एक रात वो अपनी चारपाई पे जाके लेटा, 8 बजे का टाइम था, वो सो गया। सुबह उसने जल्दी उठना था, काम पे जाना था। रात को तकरीबन कोई टाइम उसको नहीं पता, लेकिन आधी रात का वक्त था कि चारपाई पे लेटे हुए उसको छोटा पेशाब आया। उसने कहा मुझे वॉशरूम जाना है। वो अपनी चारपाई से उठा और देखा कि जितने भी जानवर हैं सब के सब आराम से सो रहे हैं, वो भी नींद में था। इतने दिनों से कोई भी वाकया, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं थी, इसलिए वो सुकून से सो जाता था। अब उस जगह पे, उस प्लाट के अंदर तो कोई वॉशरूम नहीं बना हुआ था, उसको दूर जाना पड़ना था। तो वो उठा, जूती पहनी और चलता हुआ दूर वॉशरूम की तलाश में चला गया। वहाँ साथ मौजूद जो बड़ा सा घर था नाना का, रहन बसेरा, वहाँ पे सब गहरी नींद सो रहे थे। इस सोसाइटी के और भी जितने घर बन चुके थे सब के सब, क्योंकि एक आधी रात का वक्त था, सब के सब गहरी नींद सोए हुए थे। कहीं कहीं किसी घर से कुत्ते की बोलने की आवाज़ आ जाती, वरना जानवर भी शायद रात के टाइम सब के सब सो रहे थे। एक रात की काली चादर हर तरफ फैली हुई थी और खामोशी ही खामोशी थी कि वहीं पे जानवरों के जोर जोर से बोलने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। रहन बसेरा के अंदर जितने भी लोग सोए हुए थे वहीं पे नाना, अबू भी, नानी भी, मेरे वाले साहब भी, उला मुस्तफा कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हो गए कि फिर से जानवर, काफ़ी टाइम हो गया था, सुकून था, जानवर खामोश रहते थे, आज काफ़ी अरसे बाद फिर से जानवर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या माजरा है? लेकिन वो इसलिए थोड़ा सा मुतमईन हो गए कि वहाँ पे कारीगर सो रहा है, अगर ऐसी वैसी कोई बात होगी तो कारीगर ज़रूर हमें बता देगा। अब रात की उस तारीकी में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानवर बंधे हुए हैं, उनकी मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं, और नाना, अबू, मेरे वालिद, बाकी घर के फ़र्द, कारीगर अपने अपने बिस्तर में जाग गए हैं, लेकिन उठ कोई भी नहीं रहा कि कोई बात हो तो हम उठें। अभी तक सिर्फ जानवर बोल रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है कि नीचे से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई उसी रहन बसेरा के अंदर जहाँ पे 4 मंजिलें उस घर के अंदर बनी हुई थी। आवाज़ दे के पूछा कौन है, तो वही कारीगर घबराया हुआ नीचे आवाज़ें दे रहा था जिसकी ड्यूटी थी कि जल्दी से बाहर आएं। नाना अबू उठ गए, नानी उठ गई, मेरे वाले साहब, कारीगर, काफ़ी लोग उठ के सारे नीचे आ गए। जो जो अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे, जितने भी लोग जो बेचैन थे, उस शोर को, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ को सुन के वो जल्दी से बेचैन होकर सारे बाहर आ गए। क्या हुआ? उसने कहा जल्दी कीजिए, मेरे साथ आइए। वो घबराया हुआ था, वो सब उसके पीछे चल पड़े।
और साथ ही मौजूद जब उस रहन बसेरा के वो तमाम लोग उस कॉमन प्लाट के अंदर दाखिल हुए जहाँ जानवर अभी तक ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, पिछली दफ़ा जो वाकया हुआ था ज़ुबान किसी जानवर के निकाल के ज़मीन पे डाली गई थी, उस वक्त वो कम चीखे चिल्लाए थे जितनी वो आज चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। क्या माजरा है, आज सबके दिल की धड़कन तेज़ थी, तेज़ी से चलते हुए वो उस कॉमन प्लाट की तरफ जा रहे थे कि आज मामला लगता है पिछली दफ़ा से भी कुछ ज़्यादा ख़तरनाक है। वो तेज़ी से चलते हुए उस जगह पर पहुँच गए और जब अंदर दाखिल हुए तो उनकी निगाह पड़ी वो जगह जहाँ पे रात को एक भैंस को बांधा गया था। उसी अपने किले के साथ वो भैंस तो बंधी हुई थी लेकिन इस वक्त मर चुकी थी, उसके जिस्म का आधा शरीर गायब था। भैंस का मुंह, उसके गले के अंदर बंधा हुआ रस्सा, उसकी आगे वाली दो टांगें मौजूद थीं लेकिन उस दो टांगों से थोड़ा सा पीछे तक गोश्त था और उसके बाद आधा पूरा हिस्सा जिसमें उसका पीछे का दो टांगें, दुम, पीछे का सारा हिस्सा, पूरा का पूरा शरीर गायब हो चुका था। भैंस ज़मीन पे इस अंदाज में मरी पड़ी थी कि पूरा आधी पीछे वाला हिस्सा उसका गायब था। एक कसाई जानता था कि किसी भैंस को इस अंदाज में काटना भी हो तो बहुत टाइम लगता है, उसके जिस्म से खाल को उतारना, फिर मजबूत एक हड्डियों का ढांचा होता है उसको तोड़ना, और उसके बाद उसके अगर एक भैंस को ऑर्डर भी आ जाए कि आधी भैंस हमें गोश्त दे दें तो पहले उसको ज़िबा करते थे, उसके बाद जिस तरह वो आधे हिस्से को काटना, उस ढांचे को काटना, गोश्त को अलग करना, एक बहुत मुश्किल मरला होता था, इस पर टाइम लगता था। लेकिन अभी तो कुछ ही देर गुजरी थी जानवरों को चिल्लाते हुए चीखते हुए कि इतनी देर में पूरा आधा हिस्सा गायब हो गया था। उस कारीगर से पूछा, तुम तो सो रहे थे, यहां पे मौजूद थे, फिर ये कैसे हुआ? तो वो कारीगर बोला कि मैं बिल्कुल सोया हुआ था, रूटीन की तरह बिल्कुल खामोशी थी, जैसे रोज जानवर सो रहे होते हैं। तो जब मेरी आंख खुली, मुझे वॉशरूम की तलब महसूस हुई, तो जानवर उसी तरह सारे सो रहे थे। मैंने जूता पहना, आराम से उठा और वॉशरूम के अंदर चला गया, और जब मैं बाहर निकल के वॉशरूम में दाखिल हो रहा था तो मुझे आवाज़ें आना शुरू हुई कि पीछे एक शोर सा आना शुरू हुआ है। तो मैं जल्दी जल्दी फारिग हुआ और मैं भागता हुआ अंदर दाखिल हो गया, लेकिन मेरी आंखों के सामने जो मंज़र था वो बहुत ही खौफनाक था। ये वही मंजर था जो अभी आप खड़े अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इतनी देर ही मुझे लगी थी कि मैं वॉशरूम तक गया था और वापस आया था तो इस भैंस का आधा शरीर गायब हो चुका था। तभी मैं वहां से भागा और भागता हुआ आपकी तरफ आया, आप लोगों को जगाया और लेके आपको साथ आया हूं। बस इतनी ही देर लगी है कि उठा हूं, वॉशरूम में गया हूं और पीछे आधा शरीर गायब हो गया। अब वो जानवर मर चुका था इसलिए उसको सुबह उन्होंने फेंक दिया, लेकिन परेशानी बढ़ चुकी थी कि ये माजरा है क्या, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि पहले एक जानवर की ज़ुबान निकाल दी गई और अब एक जानवर का इतनी ही देर में कि चंद मिनट ही गुजरे आधा शरीर गायब कर दिया गया। कोई शेर भी जानवर जो जंगल का बादशाह होता है इस तरह हमला करे तो उसको भी एक भैंस का आधा वजूद खाते हुए बहुत टाइम लगना चाहिए। ये तो चंद मिनटों में ही ऐसा हो गया था। अगली सुबह उन्होंने फैसला किया कि जितने भी जानवर हैं इस कॉमन प्लाट से निकाल लिए जाएं, और जो घर था रहन बसेरा उसकी बिल्कुल बैक साइड पे जो जगह थी वहीं पे बांधने शुरू कर दिए जाएं, और एक मुलाजिम की वहीं पे ड्यूटी लगाई गई कि वो वहीं पे सोया करेगा और पहरा दिया करेगा। उसके बाद ऐसा ही हुआ कि अब ये लोग वहीं पे सोने लगे, वहीं पे ही पहरा होने लगा, लेकिन अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी तक कुछ ऐसा वाकया नहीं हुआ था। लेकिन सब अलर्ट थे कि जैसे ही जानवर की बोलने की आवाज़ आएगी, जैसे ही कुछ हल्का सा भी महसूस होगा तो वो सब अलर्ट थे, और वो जो वहाँ पे पहरा देता था उसको भी अलर्ट किया हुआ था। लेकिन जो कॉमन प्लाट था वहीं पे अक्सर कोई ना कोई कारीगर रात को अगर सोना चाहता तो सो जाता था, वहीं पे एक चारपाई पड़ी होती थी, लेकिन उनमें से एक ऐसा कारीगर जिसने एक रात बहुत ज़्यादा दारू पी रखी थी,
वो बाहर बैठ के कहीं दारू पीता रहा, और उसके बाद उसको पता लग गया कि अब तो सब सो चुके होंगे, दरवाजे बंद हो चुके होंगे, तो वही एक कॉमन प्लाट ही है जहाँ पे चारपाई अक्सर पड़ी होती है, तो मैं वहीं जा के सो जाता हूँ। क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा दारू चढ़ा रखी थी, वो लुढ़कता हुआ जा रहा था, उसके कदम डगमगा रहे थे, वो बिल्कुल टुन हो चुका था, और वो चलता 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 उसी कॉमन प्लाट में पहुंचा जहाँ पे कचरा भी पड़ा हुआ था, लेकिन वहीं दरमियान में चारपाई पड़ी हुई थी, वो जाके चारपाई पे लेट गया। अभी उसको सोए हुए कुछ देर ही हुई थी, उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंख खुली है, एक शोर सा हुआ है, और उस शोर की वजह से उसकी आंख खुली है। ये कैसा शोर था, इसके बावजूद कि वो दारू के नशे में धुत सा था, नशे में मत सा था, उसको तो जागना नहीं चाहिए था, उसके करीब कोई खड़े होकर ढोल भी बजाता तो उसकी आंख नहीं खुलनी चाहिए थी, लेकिन वो क्यों जागा है? अभी तक उसके दिमाग पे नशा सवार था, लेकिन तभी उसकी आंखें खुली हुई थी, वो इर्द गिर्द देख रहा था, तभी उसने देखा उसके थोड़े ही फासले पे उसको नजर आया एक सफेद कपड़ों में मलबूस औरत, जिसने सफेद कपड़े पहन रखे हैं, वो सामने जमीन पे बैठी हुई है। वो हैरान हुआ कि सफेद शलवार कमीज में मलबूस ये औरत इस वक्त रात के इस पहर जमीन पे क्यों बैठी हुई है। एकदम से उसने देखा, उसने उसको आवाज दी, कौन है माई, माई कौन है तू? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने कहा मैं क्यों जाग गया हूं, कोई भी है, मुझे क्या लेना देना। वो वहीं फिर से सो गया। एक नॉर्मल सा वाकया था, सुबह उठा वो इस वाकये को भूल गया, किसी से कोई इसी बात का जिक्र ना किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद गुलाम मुस्तफा कहते हैं कि मेरे वालिद साहब अपने कमरे में सो रहे थे, उनका नाम गुलाम मुस्तफा ही है ना, हाँ, कमरे में सो रहे थे कि रात के कोई आधी रात का ये टाइम होगा, उनकी एकदम से आंख खुली, कमरे के अंदर जीरो का बल्ब जल रहा था, अंधेरा नहीं था, सब्ज कलर की रोशनी कमरे के अंदर उस जीरो की लाइट की वजह से मौजूद थी। उसी वक्त उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कमरे की सामने वाली जो खिड़की है उसके बाहर एक साया सा मौजूद है। लेटे लेटे एकदम से दिमाग में ख्याल आया, मैं गहरी नींद में था, मेरी आंख क्यों खुली है, अगर सामने खिड़की में कोई साया भी है तो मैं कैसे चौंक गया हूं, मुझे कैसे पता लगा ये साया है, मैं उस तरफ क्यों देख रहा हूं, कि तभी फिर से खिड़की को बाहर से नॉक किया गया। वो चौंका, हां कोई मौजूद था, हर तरफ रात की खामोशी थी, झींगड़ के बोलने की आवाज़ दूर कहीं से आ रही थी, मेंढक भी कभी कभी पे कहीं बोल लेता था, वरना बिल्कुल एक खामोशी, रात की काली चादर हर तरफ फैली हुई थी, घुप रात का अंधेरा था, और बाहर खिड़की के कोई एक हेवला सा, एक साया सा नज़र आ रहा था जो खिड़की के शीशे को हिला रहा था, कि तभी मेरे वाले साहब ने मेरी वालदा को जगाया। मेरी वालदा भी गहरी नींद में थी, वो जाग गई और बोली, हाँ क्या हुआ है? तो वालिद साहब उससे मुखातिब हुए कि बाहर खिड़की के कोई दरवाजे, खिड़की को नॉक कर रहा है। उन्होंने मेरी वालदा से पूछा, ये ज़ैनब है जो बाहर है खिड़की के? अम्मी ने परेशान होकर कहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरी छोटी बहन ज़ैनब रात के ये कोई 2:30 बजे का टाइम होगा, वो क्यों हमारी खिड़की के बाहर आके खड़ी होगी और दरवाजे को नॉक कर, खिड़की को नॉक करी होगी, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरे वाले साहब को लगा जैसे खिड़की के पीछे जो कोई मौजूद है हेवला सा, वो इनकी छोटी बहन, उनकी साली ज़ैनब है। और मेरी वालदा से पूछा जो, तो वो हैरान होगी कि आपने सोचा कैसे कि रात के इस पैर वो खिड़की को नॉक करेगी। तभी वालदा ने कहा, आप जाके देखें कौन है। अब ये जो वालिद और वालदा जिस कमरे में लेटे हुए थे, ये तीसरी मंजिल पे था, क्योंकि इस घर की 4 मंजिलें थीं। तीसरी मंजिल के वो अपने बेडरूम में लेटे हुए थे, और बाहर वाली साइड से कोई खड़ा खिड़की को खटखटा रहा था। तो वाले साहब उठे और आराम से चलते हुए उसी सिमत चले गए जिस सिमत से कोई खिड़की के बाहर मौजूद था।
और जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां पे एक सफेद शलवार कमीज पहने एक औरत खड़ी हुई है। उस औरत की आंखें लाल सुर्ख हैं और उस औरत के आगे के दो दांत इतने बड़े हैं कि बाहर निकले हुए हैं। वो बहुत ही भयानक और बदसूरत सी एक औरत थी। लेकिन उसी वक्त ही वो वाले साहब ने जैसे ही उसकी तरफ गए तो वो खिड़की से देखते हुए जब उसको महसूस हो गया कि कोई उसकी सिमत आ रहा है, वो एकदम से मुड़ी और मेरे वाले साहब को देखते हुए फौरन मुस्करा पड़ी, जैसे वेलकम कर रही हो आ गए मुस्करा पड़ी। उसके मुस्कराने से वो दो बदसूरत से बड़े बड़े दोनों दांत बाहर निकल आए। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। बूढ़ी औरत नहीं थी, नौजवान ही थी, लेकिन चेहरा ऐसा लगता था जैसे झुर्रियों से भर गया हो। एक भयानक खौफनाक सा चेहरा था। और जैसे उसने वाले साहब को देखा मुस्कुराई तो उसी वक्त तेजी से दौड़ती हुई दीवार से कूद गई। वाले साहब एकदम परेशान हैरान हो गए कि एकदम इसने मुझे देखा है, ये किस तरह की अजीबोगरीब खौफनाक किस्म की भयानक औरत थी, मुझे देखते ही दीवार को कूद गई है। भागते हुए दीवार की तरफ गए और झांक के देखा तो नीचे वाली मंजिल पे जो टेरेस बना हुआ था वो टेरेस पे कूद के खड़ी थी और वाले साहब को देख रही थी कि आओ मैं नीचे कूद गई हूँ। वाले साहब अभी तक परेशान कि ये मंजर क्या है, ये क्या माजरा है, ये कौन औरत है। दिलेर थे वाले साहब, डरने वाले नहीं थे, फौरी तौर पे सीढ़ी की तरफ भागे और भागते भागते टेरेस तक पहुंच गए। जैसे ही टेरेस पे पहुंचे तो टेरेस पे खड़ी वाले साहब का इंतजार कर रही थी। उसने अपने दोनों हाथ टेरेस के ऊपर पीछे रखे हुए थे, टेक लगा के वो टेरेस की तरफ कमर करके खड़ी थी इस अंदाज में कि पीछे वो गिर सकती थी, लेकिन इस अंदाज में खड़े रहे। और वाले साहब जैसे ही उसके सामने आए तो वो भयानक सी खौफनाक सी औरत फिर से मुस्कुराई और वहीं खड़े खड़े उसने उल्टी कलाबाजी लगाई, जो उसने अपनी टांगें थी यूं उसने उठाई और पीछे की तरफ, एक होता है सर के बल पीछे छलांग मारना, उसने अपनी टांगें उठा के हाथ पकड़ के रखा और टांगें घुमाई, गोल सी घूमी और उसके बाद नीचे गिर गई। वाले साहब चलते हुए आगे टेरेस की तरफ आए जहाँ पे वो खड़ी थी। जिस लम्हे वो वहाँ पे खड़ी थी वाले साहब उसके सामने खड़े थे। अब वो नीचे गिर चुकी थी, वाले साहब ने नीचे देखा तो अब वो नीचे ज़मीन पे खड़ी थी और वाले साहब को मुस्करा के इशारे से बुला रही थी, आओ ना मेरा पीछा करो, आओ मेरे पीछे आओ। वाले साहब अलर्ट हो गए। पहले ये ऊपर थी, तीसरी मंजिल से इसने छलांग मारी दूसरी मंजिल के टेरेस पे और यहाँ से उल्टी घूमी है और नीचे जाके सीधी खड़ी हो गई है। इसको चोट भी नहीं लग रही, इतनी बड़ी जगह से मैं भी छलांग मारूं तो मेरी टांग बाजू टूट जाएगा, कैसे ये छलांग मार के नीचे चली गई है और इसके इतने भयानक दांत हैं, सफेद छलवार कमीज में कौन है ये। वाले साहब अच्छे खासे परेशान हो गए और उसी वक्त वाले साहब को जब उसने इशारा किया तो वाले साहब के चेहरे पे डर आ गया तो और एक कहका लगा के जोर से हंस पड़ी। उसके हंसने का अंदाज ऐसे था जैसे कह रही हो बस डर गए बस, और उसके बाद इस अंदाज में चलना शुरू हो गई कि मुड़ मुड़ के वाले साहब को देखती और फिर से इशारा करती आओ ना, और फिर आगे की तरफ चलती और फिर इशारा करती आओ ना, फिर कुछ कदम चलती और फिर मुड़ के इशारा करती आओ ना। और वाले साहब वहीं टेरेस पे खड़े उसको देखे जा रहे थे। वो चलती 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 उसी कॉमन प्लॉट के अंदर चली गई और उस प्लॉट के अंदर वाले साहब ने ऊपर खड़े हुए उसको क्लियर देखा। उस प्लॉट में जैसे ही दाखिल होते ही वो गायब हो गए। वाले साहब परेशानी की हालत में वहाँ पे खड़े रहे कि ये क्या माजरा था जो मेरी आंखों ने देखा, ये कैसा भयानक मंजर था जो मेरी आंखों ने देखा। वापस कमरे में गए, अम्मी जाग रही थी, कहती क्या हुआ कौन थी। तो वाले साहब ने कहा नहीं नहीं कोई नहीं थी। पूछने लगी नहीं बताओ कौन थी, क्या था, कौन था बाहर। तो उन्होंने कहा एक अजीबो गरीब औरत थी, बहुत ही भयानक बहुत ही खौफनाक, उसकी लाल सुर्ख आंखें थी, दांत उसके बहुत बड़े थे और तुम जानती हो उसने ऊपर से ही छलांग मारी टेरेस पे, टेरेस से उल्टी वो घूमी और नीचे जमीन पे उसको कोई चोट नहीं लगी। मेरी वालदा कहती है नामुमकिन है, इतनी ऊंचाई से छलांग कोई नहीं नीचे लगा सकता, बाजू टूट जाएगा, सर टूट फट जाएगा, टांगे टूट जाएंगी। वाले साहब कहते हैं नहीं उसको कुछ भी नहीं हुआ। वालदा हैरान हुई, बोली कहाँ गई है वो। कहा वो चलती हुई कॉमन प्लाट के अंदर गई है, उसको मैं खड़ा देखता रहा हूं, जैसे ही वो कॉमन प्लाट के अंदर गई है उसके बाद वो वहां से गायब हो गई है। अब वालदा भी परेशान हो गई, सुबह उठे और ये बात नाना अबू तक पहुंची और बात पहुंचते पहुंचते वर्करों तक भी जो कारीगर थे जो गोश्त बनाते थे कसाई का,
उनकी तक भी पहुंची तो वही शख्स जो वहां पे दारू पी के सोया था वो बोला, उस सफेद कपड़ों वाली औरत को मैंने भी देखा है। वो सारे परेशान हो गए कि तुमने कैसे देखा है, तुमने शायद इस बात को सुनकर कोई कहानी घड़ी है। उसने कहा, नहीं, मैंने उसको देखा है। पूछा, क्या देखा है? उसने कहा, मैं दारू पी हुई थी और मैं शदीद दारू के नशे में मस्त था तो मैं लेटा हुआ था कि रात को मेरी आंख खुली है कि शोर सा अजीब सा था, मुझे समझ नहीं आई किस तरह का शोर है, तो मैं जाग गया और तभी मैंने देखा सामने सफ़ेद शलवार कमीज पहने एक औरत बैठी हुई थी। उसका कद इस तरह था, उसकी जिसामत इस तरह की थी। मैं नशे में था और मैंने वहीं पर लेटे लेटे उसको आवाज़ें दी, लेकिन उसने मेरी तरफ़ नहीं देखा, मेरी किसी आवाज़ को नहीं सुना और मैं नशे में मस्त था। तो मैंने कहा, मैं इसको अब क्या करूं, मैं वहीं सो गया सुबह उठ के, इसलिए किसी को नहीं बताया। काम सी बात थी कि रात को पता नहीं कौन औरत आगे बैठी है। मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग समझेंगे कि मैं नशे में धुत था, इसलिए मैंने कोई ख्वाब देखा है, वहम है या मेरा वहम हो सकता है, लेकिन मैंने उसको देखा था। और उसने जो हुलिया बताया, उसको जो कुछ याद था, तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा कहते, मेरे वाले साहब कहते, हाँ बिल्कुल यही हुलिया की थी। वो चेहरा नहीं देख सका था, जिस तरह के उसके कपड़े थे, जिस तरह की उसकी जिसामत थी, उसने जो बताया था वो बिल्कुल वही थी। अब एक ऐसा वाकया हो चुका था, सब अलर्ट हो गए थे। इसी सोसाइटी के अंदर एक वॉचमैन भी था जो बहुत पुराना था यहां पे, लेकिन जब से ये सोसाइटी बनी थी अब वो यहां पे वॉचमैन हो गया था। उसकी जिंदगी इसी तरह पहरेदारी करते हुए गुजरी थी। अपनी ड्यूटी के हवाले से बहुत ही वो टाइम का पाबंद था, कभी भी वो अपनी रात की ड्यूटी के दौरान सोता नहीं था, वो जागता रहता था, पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाता था, बहुत ही एक्टिव बंदा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता लगा कि वो बीमार हो गया हुआ है, डर गया हुआ है। तो वाले साहब नाना अबू पता किया कि क्या माजरा हुआ है, क्या हुआ है वॉचमैन के साथ। तो कहानी कुछ पता लगी, वॉचमैन ने बताया कि मैं जब से यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ अक्सर एक ही टाइम पे रात को मुझे एक औरत दूर से गुजरती हुई नज़र आती। उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखी होती थी। मैं चक्कर लगा रहा होता था, मैं घूम फिर रहा होता था और मेरी जैसे ही उस पर निगाह पड़ती तो मैं एकदम से हैरान होता कि औरत कौन है, और मैं जैसे ही उसकी तरफ जाता तो वो जा चुकी होती, गायब हो चुकी होती। मैं परेशान हो जाता, वो कहाँ जाती है। शुरू शुरू में दो तीन दफ़ा मैंने उसको देखा तो मैं परेशान हुआ और मैंने तहिया कर लिया कि रात का एक मखसूस टाइम है जिस पे मैंने, क्योंकि पहली दफ़ा जब मुझे नज़र आई मैंने टाइम का अंदाज़ा नहीं लगाया, दूसरी दफ़ा जब मुझे नज़र आई, तीसरी दफ़ा, जब चौथी दफ़ा नज़र आई तो मुझे पहला एहसास ये हुआ कि एक मखसूस टाइम है जिसके दौरान ये औरत नज़र आती है। ये बात तो क्लियर होगी कि इतने बजे से इतने बजे के दौरान ये नज़र आती है, लेकिन अगला मेरे लिए मरला था, ये जाती कहाँ है। तो एक रात फिर से मैं इसी तरह सीटी बजाता हुआ गुजर रहा था कि मेरी निगाह पड़ी बिल्कुल सामने उसी जगह पर जहाँ ये मुझे नज़र आती थी, वो जो कॉमन प्लाट है उसके करीब ये मुझे नज़र आई। मैं ऐसे छुप सा गया कि मैं इसको देखूं, ये जाती कहाँ है। मेरी आंखों के सामने मौजूद थी और मैं आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था ताकि आज मैं पता लगा सकूं रात के इस पहर कौन सी औरत है जो घर से बाहर निकलती है और कहाँ जाती है, क्या कोई चक्कर है, क्या माजरा है। मैं उसको छुप के खड़ा देखता रहा, मेरी आंखों के सामने वो मौजूद रही और मैंने देखा कि वो फिर उस प्लॉट के अंदर दाखिल हुई और गायब हो गई। मैं कुछ देर उस जगह पर खड़ा रहा और उसके बाद फिर मैंने कहा, मुझे अपनी ड्यूटी देनी चाहिए, मुझे जो कुछ मैंने देखा इसको दिमाग से निकाल देना चाहिए। मैं फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया, लेकिन फिर से जब मुझे वो अगली रात नजर आई तो फिर मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, नहीं, मुझे इसको नहीं देखना, क्योंकि मुझे पता लग गया था ये मखसूस टाइम पे कभी कभी नजर आती है, लेकिन आज तो ऐसा था कि कल भी नजर आई थी, आज फिर नजर आ रही थी, और तब मैंने उसको फिर से महसूस किया, वो उस प्लॉट में गई है और गायब हो गई है। अब अक्सर ये सफ़ेद कपड़ों वाली मुझे नज़र आती थी लेकिन ये फिर गायब हो जाती थी। मैं अपनी ड्यूटी देता रहा, मैंने कभी उस पर तवज्जो नहीं दी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं शदीद थका हुआ था, मैंने बता दिया था सोसाइटी को भी कि आज रात को मैं जल्दी कुछ देर के लिए सो जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने बहुत लंबी ड्यूटी की है, तो आज रात मैं शायद हो सकता है एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए अपने क्वार्टर में जाके सो जाऊं। वहीं पे उसका क्वार्टर बना हुआ था जहाँ पे वो सोता था, तो उस रात वो तकरीबन एक बजे का टाइम था, वो जाके
सो गया। उसने एक दो घंटे को नींद लेनी थी और उसके बाद फिर से आके उसने ड्यूटी करनी थी, क्योंकि उसने फैसला किया था कि मैं दिन के टाइम पे दोबारा सो जाऊंगा, अभी मेरे लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि उसकी हालत ख़राब हो रही थी। मसलसल ड्यूटी करते हुए उसको नींद से झटके लग रहे थे। तो वो कहता है मैं जाके अपने बिस्तर पर सो गया, इतनी गहरी नींद मुझे आई हुई थी, जैसे ही मैं लेटा, मैं लेटते ही सो गया। मैंने जूते तक अभी पहन रखे थे, वर्दी तक नहीं उतारी थी, क्योंकि अभी उठ के फिर मैंने नौकरी करनी थी, इसलिए रिलैक्स होके नहीं सोया कि अगर रिलैक्स होके सोऊंगा तो फिर आँख ही शायद ना खुल सके, इसलिए जूते समेत वहाँ पे सो गया। अभी सोए हुए शायद घंटा भी नहीं गुजरा था कि मुझे एकदम से महसूस हुआ जैसे मेरी आँख खुल गई है। जितना मैं थका हुआ था, जितनी गहरी नींद में सोया था, मुझे तो जागना ही नहीं चाहिए था। ऐसी हालत में कोई मेरी जगह पर और होता तो शायद सुबह जागता, लेकिन घंटे बाद ही मेरी आँख खुल गई और मैं हैरान हुआ मेरी आंख क्यों खुली है। और जैसे ही मेरी आंख खुली तो उसी वक्त मैंने देखा मेरे क्वार्टर के अंदर वही सफ़ेद शलवार कमीज़ वाली औरत सामने मौजूद है, और मेरे क्वार्टर से बिल्कुल, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था क्वार्टर का, मेरे क्वार्टर के बिल्कुल सामने खड़ी है, दरवाज़ा खुला हुआ है, और मुझे इस अंदाज में वो नज़र आई कि उसकी कमर मेरी तरफ थी और उसका मुँह दूसरी तरफ था। वो कभी भी यहाँ आके खड़ी नहीं हुई थी, हमेशा उसको मैंने कॉमन प्लाट के पास देखा था और उधर ही चली जाती थी। आज वो उस जगह पे खड़ी थी जहाँ अक्सर मैं ड्यूटी दे रहा होता था, और मैंने उसको जैसे ही देखा वो चलना शुरू हो गई। मैं लेटे लेटे उसको देख रहा था, मैंने देखा वो चलना शुरू हो गई, और मैंने उसको लेटे हुए जैसे देखा वो चल रही है, तो मैं एकदम से अपने बिस्तर से उठ गया उसको देखने के लिए कि ये आज इतने करीब क्यों है और कहाँ जा रही है। और जैसे ही मैं अपने बिस्तर से उठ के बैठा हूँ तो उसी लम्हे वो मुड़ गई है, जैसे उसको पता लग गया हो कि मैं अपने बिस्तर से जाग गया हूँ। और जैसे ही मैं उठ के बैठा हूँ उसी लम्हे वो मुड़ी है, और मुड़ते ही वो मेरी तरफ आने लगी है। तभी मैंने पहली दफ़ा उसका चेहरा देखा है, बहुत ही भयानक चेहरा था उसका। उसका चेहरा ऐसे था जैसे शदीद झुर्रियों से भरा हुआ हो, उसकी आंखें लाल सुर्ख ऐसे थीं जैसे दहकता हुआ कोयला, जैसे आग के बीच में कोयलों को रख दिया जाए और कोयला जिस तरह लाल सुर्ख हो जाता है, ऐसी उसकी आंखें थीं, जैसे उसकी आंखों में से खून टपक रहा हो, लाल सुर्ख उसकी आंखें, और मेरी तरफ गुस्से से इस तरह घूर रही थी जैसे वो मुझे खा जाएगी। वो कोई इंसान नहीं थी। उसके चेहरे को देखते ही मैं पहचान गया जो पहले गायब हो जाती थी, और मेरा काम ड्यूटी देना होता था। मैंने कभी किसी को इसलिए नहीं बताया, लोग डर जाएंगे, मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, मेरे ऊपर सवाल करेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, नशा तो नहीं करते, सो तो नहीं जाते। जब उसने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया था तो मैंने भी उसका कभी जिक्र नहीं किया था, लेकिन जिस अंदाज में मैंने उसको रात देखा और वो मेरी तरफ बढ़ रही थी इतने गुस्से से, तो मैं कांपना शुरू हो गया, यहाँ तक कि वो कुछ लम्हे चलती चलती मेरे क्वार्टर के दरवाजे तक आई और वहीं आके रुक गई है। उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे, और इतने बड़े नाखून आज तक किसी औरत के मैंने नहीं देखे। उसके हाथों से भी बड़े बड़े उसके नाखून थे, और ये बात गुलाम मुस्तफा के वालिद ने भी उस औरत के अंदर देखी थी जब वो उसको खड़ी खिड़की के बाहर झांक रही थी, और जब वो पीछे गए थे तो मुस्कुराई थी, उन्होंने भी ये बड़े बड़े उसके नाखून देखे थे। उस वॉचमैन ने बताया उसके इतने बड़े बड़े नाखून थे कि उसके हाथ से भी बड़े, और उसके पूरे वजूद पे ऐसे लगता था जैसे अजीब सा वजूद हो, मैंने इससे पहले ना जानवर का हो ना इंसान का हो, चेहरा तो उसका इंसान की तरह था लेकिन अजीबो गरीब इतना खौफनाक सा कि मैं शदीद कांपना शुरू हो गया। और उसने वहीं पे खड़े होकर गुस्से से अपने मुंह को खोला तो मैंने उसके दांत को देखे, उसके ऊपर वाले दांत इतने बड़े थे कि बाहर निकल आए, और नीचे वाले दांत भी इतनी बड़े थे कि ऊपर आ गए, ऐसे दांत उसके बंद हुए कि मैं कांपना शुरू हो गया। वो कोई इंसान नहीं, वो कोई डायन थी, और मेरे क्वार्टर के दरवाजे के अंदर खड़ी वो डाइन मुझे देख रही थी। मैं एकदम से घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से, मेरे दिल की धड़कन तेज़ थी, मैं कांपना शुरू हो गया। इतनी ज़ोर से मैं कांप रहा था, मेरी पूरी चारपाई हिल रही थी। एकदम पता नहीं उसको कैसे मुझ पे तरस आ गया, लेकिन इस अंदाज में मुझे देख के गई है जैसे इशारा करके गई हो कि मैं फिर आऊँगी। उसका अंदाज़ ऐसा था मैं जा नहीं रही, फिर आऊँगी, और उसके बाद वो मुड़ गई है लेकिन मेरा वजूद कांपता रहा है। सुबह तक मुझे शदीद बुखार हो गया और अभी तक मुझे बुखार है। अब जिस जिसको सोसाइटी में कहानी पता लगी वो सारे उस कहानी को सुन के बेइंतहा परेशान हो गए, लेकिन कोई 7-8 दिन के बाद पता लगा कि वो वॉचमैन अल्लाह को प्यारा हो गया था। उस वॉचमैन की मौत वाकई हो गई थी। उसके साथ क्या हुआ था
ये कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने इशारा दिया था जैसे वो मुझे इस तरह घूर के गई है, जैसे कह के गई हो कि मैं दोबारा आऊँगी। तो क्या वो दोबारा उसके पास गई थी, क्या हुआ था, किसी को कुछ भी ना पता लगा, लेकिन वो वॉचमैन अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके बाद कई वॉचमैन आए, लेकिन वहाँ पे अक्सर लोगों ने उसी औरत को जब देखा था, ज़्यादातर लोगों ने उसको सफ़ेद शलवार कमीज़ में देखा था, लेकिन कुछ लोगों का दावा ये था कि हमने एक औरत को देखा है जो लाल सुर्ख कपड़ों में मौजूद होती है। कुछ ने उसको, मेरे वालिद साहब ने और लोगों ने उसको सफ़ेद शलवार कमीज़ में देखा था, लेकिन काफ़ी लोगों ने उसको रेड कलर के, लाल कलर के भी कपड़ों में देखा था जो वहाँ पर नज़र आती थी। और ग़ुलाम मुस्तफ़ा बताते हैं कि फिर वक्त जिस तरह बदलता है, हमारे घरों में भी फैमिलियां बड़ी हो रही थी, बच्चे बड़ी हो रहे थे, प्यार उस तरह पहले की तरह नहीं था, मोहब्बतें उस तरह पहले की तरह नहीं थी। फिर ऐसा हुआ कि नाना अबू ने वो जो हमारा घर था इतना बड़ा सोसाइटी में, उसको बेच दिया, सबको अलग अलग घर ले कर दे दिए कि सब अपने अलग अलग घर में रहें। वो इतना बड़ा घर उन्होंने बेच दिया। कहते हैं वो आज भी, वो हमारा जो घर है रहन बसेरा, वो आज भी वहीं पे मौजूद है, और आज भी उसी जगह पे लोगों का कहना ये है कि लाल कपड़ों में या कभी सफ़ेद कपड़ों में आज भी वो औरत वहाँ पे नज़र आती है। हम वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, दूसरी जगह पे चले गए हैं, अपने 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 घर में रह रहे हैं, पहले सारे इकट्ठे की जगह पे रहते थे, लेकिन वो जगह अभी भी वहीं पे मौजूद है, और उसी जगह पे अभी भी वो लाल सुर्ख कपड़ों वाली उसी कॉमन प्लाट के बाहर नज़र आती है, क्योंकि वो जो कॉमन प्लाट था आज भी वीरान पड़ा हुआ है, आज भी उसके अंदर गंदगी, कूड़ा करकट, कचरा इस तरह पड़ा हुआ है, और आज भी लोग उस औरत को ज़्यादातर उसी प्लाट के अंदर ही देखते हैं। तो वो जो भैंस को आधा खा गई थी, तो वही डाइन ही थी जो उस भैंस के आधे शरीर को खा गई थी। वो जो भैंस की पूरी जुबान खींच के किसने बाहर निकाल के रख दी थी, तो वही डाइन ही थी जिसने भैंस की पूरी जुबान निकाल के बाहर रख दी थी। लेकिन जिस तरह वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा के वालिद को बुला के छलांगे मारती हुई अपने पीछे बुलाने पर मजबूर कर रही थी, अगर वो दिलेर शख्स थे, बहादुर थे, उसके पीछे टेरेस तक तो चले गए, लेकिन अगर गलती से भी वो उस कॉमन प्लाट तक चले जाते तो वो जिंदा वापस ना आ सकते, वो डाइन उनको भी खा जाती। तो ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा की कहानी है, जिन्होंने मुझे लोकेशन जो बताई है, मैं फिर से बताता हूँ, ये रियल लोकेशन है इंडिया की, अहमदाबाद जोहापुर, जोहापुरा है या जोहापुर है, उन्होंने मुझे पूरा लिखा तो मैं उसको जोहापुरा बोल रहा हूँ, या हो सकता है अहमदाबाद जोहापुर हो। और उनके नाना का नाम है महीउद्दीन, आज भी कहते हैं नामी गिरामी हैं कसाईयों में, बहुत बड़ा उनका नाम है, बड़ी इज्जत की निगाह से और बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं लोग उनको बहुत ज़्यादा। और उनका वो जो रहन बसेरा 1990 में जिसका नाम तामीर करते हुए रहन बसेरा रखा गया था, आज भी वो 20 कमरे और 4 मंजिलों का बहुत बड़ा मकान वहीं पर ग्रीन पार्क सोसाइटी में मौजूद है, और वहाँ पे वो कॉमन प्लाट के नाम से मशहूर, आज भी उस प्लाट का नाम कॉमन प्लाट है, और वहीं पे उसी ग्रीन पार्क सोसाइटी में इंडिया में मौजूद है। ये थी जो कहानी मुझे ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने भेजी, जो मैंने आपको सुनाई। आप लोग भी अपनी मुझे कहानी भेजना चाहते हैं तो मुझे कहानी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, लेकिन जब भी आप कहानी भेजें तो उसके लिए दो बातों का खास ख्याल रखना है, एक कहानी में अपना नाम, अपने गांव का नाम, शहर का नाम, मुल्क का नाम, अपने रियल बताना है, कहानी के जितने भी किरदार हैं उनके नाम भी मुझे रियल बताना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कहानी में नाम फर्जी कर दूं, तो आप मुझे साथ में फ़र्ज़ी नाम भी लिख के भेज दीजिए कि इसका रियल नाम ये है, लेकिन आप फ़र्ज़ी नाम ये बताइएगा, ये सारा आपने बताना है। दूसरा, कहानी आप पहले भी भेज चुके हैं, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा भेजना चाहते हैं, चौथी दफ़ा भेजना चाहते हैं, आप जितनी दफ़ा कहानी भेजेंगे आपकी कहानी शामिल होगी। 100 कहानियां भेजेंगे मैं 100 कहानी शामिल करूंगा, लेकिन हर दफ़ा कहानी में आपने अपना नाम, अता, पता, तारो हर दफ़ा करना है, हर दफ़ा से बताना है। कुछ लोग कहते हैं जी पहले तो बता दिया था, हर दफ़ा नहीं, आपने हर दफ़ा ही मुझे अपना तारुफ कराना है। और दूसरी जिस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, कहानी लिखी हुई अगर है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, रोमन में है, रोमन इंग्लिश में है, आपने उस कहानी को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। सेंड हो गई, उसके बाद एक और आखिर में अलग से, उस मैसेज में नहीं, पुराने वाले में, उसको सेंड कर दिया, उससे अलग एक मैसेज लिखना है और उस पर लिखना है STORY, स्टोरी, और उसको भी सेंड कर देना है। वॉइस मैसेज अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके आप भेज दीजिए, और उसके एंड पे आपने फिर उस वॉइस मैसेज के एंड पे STORY आपने लाजमी लिखना है। अगर आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी।
कल जो मैंने कहानी सुनाई थी, जो आपको याद होगा घोड़ों वाली, जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, बाद में उन्होंने अपना नाम लिखा है, जिसमें वो तलवार से गर्दन काट देते थे औरत की, आप लोगों को याद होगा कल परसों जो मैंने सुनाई है, कि जिसमें बूटा था, अल्लाह दीता था, अकरम था और इनके वाले साहब थे रियासत अली, जिसमें वो तलवार से उन्होंने गर्दन औरत की काट दी थी और एंड पे वो औरत वो नहर बना रहे थे और औरत वो जो थी साइकिल चला रही थी, उसकी गर्दन कटी हुई थी, धाड़ उसका साइकिल चला रहा था। तो उन्होंने बाद में उनको याद आया तो उन्होंने कहा मैं अपना नाम लिखना भूल गया था, उनका नाम है ज़ीशान हैदर। और जिस गांव की ये कहानी थी वो गांव है मंडी बहाउद्दीन, दरियाए चनाब के किनारे वाकई है। ये उन्होंने मुझे बाद में लिखा है तो आज मैं इसको अनाउंस कर देता हूँ। तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर जी, जिस पे आप लोगों ने मुझे कहानी सेंड करनी है, +92 313 66 55500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 66 55500। और इसको उर्दू में पढ़ेंगे, +92 311 366 55500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।